नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि प्रायोरिटी इंटरप्ट को हम सीरियली किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। अब आज के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे कि पैरेलल फैशन में हम प्रायोरिटी इंटरप्ट को किस प्रकार इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्क्रीन में दिखाए गए डायग्राम में पैरेलल प्रायोरिटी का ब्लॉक डायग्राम दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंटरप्ट रजिस्टर है। इंटरप्ट रजिस्टर की जो प्रत्येक बिट है 0, 1, 2, 3, इसकी हर बिट एक इनपुट आउटपुट डिवाइस से जुड़ी है, जो कि सेपरेटली इंडिविजुअली इस बिट्स को सेट या रीसेट कर सकता है। और ये बिट सेट कब होंगी, जब इससे एसोसिएटेड जो डिवाइस है वो इंटरप्ट जनरेट करता है। तो इस एग्जाम्पल में ये पैरेलल प्रायोरिटी जो डिवाइस है, ये चार तरह के डिवाइसेस को हैंडल कर सकता है एक साथ। और ये जो इंटरप्ट रजिस्टर के बिट्स की पोजीशन है, ये इसकी प्रायोरिटी के हिसाब से सेट है। इसमें जिसकी प्रायोरिटी सबसे जीरो है, उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3। तो आप इसमें देख सकते हैं 0 लेवल पे, 0 बिट पे यहाँ पे इस इंटरप्ट रजिस्टर के मैग्नेटिक डिस्क एसोसिएटेड है, फिर 1 पे प्रिंटर है, फिर सेकंड पे रीडर है, फिर फोर्थ पे कीबोर्ड है। यानी कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो डिस्क की है, मैग्नेटिक डिस्क, जो कि बिट नंबर 0 पे है, और सबसे कम प्रायोरिटी है कीबोर्ड की, जो कि बिट नंबर 3 पे है। और इस इंटरप्ट के स्टेटस को कंट्रोल करने के लिए इस पैरेलल प्रायोरिटी डिवाइस में एक मास्क रजिस्टर भी है, जिसमें कि उतनी ही बिट होंगी जितनी कि इंटरप्ट रजिस्टर में है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर इसमें 4 बिट हैं, 0, 1, 2, 3, 4, तो इस मास्क रजिस्टर में भी 4 बिट्स ही हैं। और इस मास्क रजिस्टर का फायदा क्या है? इस मास्क रजिस्टर्स की मदद से हम जो लोअर प्रायोरिटी की इंटरप्ट होते हैं उसे हम डिसेबल कर सकते हैं जिस वक्त कोई हायर प्रायोरिटी का इंटरप्ट जो है उसको सर्विस किया जा रहा हो। इसके साथ साथ इस मास रजिस्टर का एक और काम है, जिस डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस किया जा रहा हो उससे कम प्रायोरिटी की डिवाइसेस को तो ये डिसेबल कर देता है मास रजिस्टर की मदद से, कि वो इंटरप्ट जनरेट कर ही ना पाए, लेकिन उस डिवाइस से हायर प्रायोरिटी की डिवाइस को प्रोग्राम किया जा सकता है इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। तो ये मास रजिस्टर एक तरह से दो काम करता है। नंबर एक, जिस भी डिवाइस की इंटरप्ट की रिक्वेस्ट को सर्विस किया जा रहा है उससे नीचे के लेवल की प्रायोरिटी के डिवाइसेस को ये डिसेबल कर देता है इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। मास्क रजिस्टर के दो काम हैं। नंबर एक, जिस भी डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट को अभी सर्विस किया जा रहा है उससे कम प्रायोरिटी की डिवाइस को ये डिसेबल कर देता है इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। और नंबर दो, जिस डिवाइस कि इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस किया जा रहा है उससे हायर प्रायोरिटी की जो डिवाइस हैं उनको इनेबल भी कर सकता है इंटरप्ट जनरेट करने के लिए। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए इस वक्त इंटरप्ट जनरेट किया है प्रिंटर डिवाइस ने, जिसकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, जिससे ज्यादा प्रायोरिटी इस मैग्नेटिक डिस्क की है और उससे कम प्रायोरिटी रीडर और कीबोर्ड की है। मान लीजिए इस समय यहाँ पर जो प्रिंटर ने इंटरप्ट जनरेट किया था उसकी सर्विस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ये कैसे हो पाएगा? मास रजिस्टर में जो प्रिंटर है इसकी करस्पोंडिंग बिट जो है यहाँ पे मास रजिस्टर में, इसको सेट कर दिया जाएगा, इसको 1 कर दिया जाएगा, बाकी ये सारी बिट्स 0 हो जाएंगी। तो एक तरह से 2 और 3 बिट है जो मास रजिस्टर की, अगर ये 0 हो गई तो यहाँ देख पा रहे हैं कि इंटरप्ट रजिस्टर की जो करस्पॉन्डिंग मास रजिस्टर की बिट है वो एंड होके इस प्रायोरिटी एनकोडर पे जा रही है। तो अगर ये बिट नंबर 2 और बिट नंबर 3 मास रजिस्टर में 0 हो जाएंगी, तो इररिस्पेक्टिव
ऑफ देयर स्टेटस इन इंटरप्ट रजिस्टर, चाहे आप इंटरप्ट रजिस्टर में ये रीडर इंटरप्ट जनरेट करे भी, क्योंकि ये मास कर दी गई हैं ये दोनों बिट्स, ये एंड का यहाँ पे जो इनसे एसोसिएटेड एंड सर्किट है, इनका जो इनपुट है एक इनपुट जीरो हो जाएगा तो आउटपुट अपने आप ही जीरो हो जाएगा। और जो डिवाइस की सर्विस को रिक्वेस्ट किया जा रहा है उससे हायर प्रायोरिटी पे अगर कोई डिवाइस है, जैसे यहां पे मैग्नेटिक डिस्क है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग जो बिट है उसको जीरो ही, जीरो ना रख के वन रखा जाएगा, ताकि भविष्य में जिस वक्त ये प्रिंटर की रिक्वेस्ट, इंटरप्ट रिक्वेस्ट को सर्विस किया जा रहा हो, तो अगर मैग्नेटिक डिस्क जिसकी प्रायोरिटी प्रिंटर से ज्यादा है वो इंटरप्ट जनरेट करे, तो प्रिंटर की सर्विस रूटीन का एग्जीक्यूशन होल्ड में रख के पहले जो मैग्नेटिक डिस्क है इसने जो इंटरप्ट जनरेट किया है उसकी सर्विस रिक्वेस्ट को अटेंड किया जाए। और वो कैसे होगा? वो इस तरह होगा, क्योंकि मैग्नेटिक डिस्क अगर इंटरप्ट जनरेट करेगा तो उसकी करस्पॉन्डिंग मास्क रजिस्टर की जो बिट है वो वन है, राइट? अगर वो वन है तो ये यहां पर इस सर्किट में जाके एंड हुए दोनों सिग्नल, ये और ये, तो ये इंटरप्ट को जनरेट कर देगा और जो लोअर प्रायोरिटी का इंटरप्ट इस वक्त सर्विस हो रहा है उसे मोमेंटरीली होल्ड में रखेगा और उससे हायर प्रायोरिटी के जो इंटरप्ट है उसे पहले सर्विस करेगा। तो इसे देख के आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में अगर कोई इंटरप्ट रिक्वेस्ट सर्विस हो रही हो, उससे नीचे लेवल की जो प्रायोरिटी की डिवाइस अगर इंटरप्ट जनरेट करती हैं, तो उसकी जो सर्विस की रिक्वेस्ट को अटेंड नहीं किया जाता। लेकिन जिस डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट इस वक्त एग्जीक्यूट हो रही हो, उससे हायर प्रायोरिटी की अगर कोई डिवाइस उस टाइम पर सर्विस इंटरप्ट करे, इंटरप्ट सर्विस को रिक्वेस्ट करे, तो उसे पहले अटेंड किया जाता है। अब ये देखते हैं कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर इसका लॉजिक डायग्राम देख रहे हैं। ये जो इंटरप्ट रजिस्टर है, इसकी जो इंडिविजुअल बिट्स हैं, ये एक्सटर्नल कंडीशंस के हिसाब से सेट होती हैं। वो एक्सटर्नल कंडीशंस क्या हैं? वो एक्सटर्नल कंडीशंस हैं कि जो इससे एसोसिएटेड डिवाइसेस हैं वो इंटरप्ट को जनरेट करें, और इसकी जो बिट्स हैं इसको प्रोग्राम के माध्यम से क्लियर भी किया जा सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे एक मास्क रजिस्टर है। मास रजिस्टर की इंडिविजुअल बिट्स को प्रोग्राम के माध्यम से सेट या रीसेट किया जा सकता है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के माध्यम से इंडिविजुअली इनके स्टेटस को कंट्रोल किया जा सकता है। इस मास रजिस्टर में उतनी ही बिट्स होंगी जितनी इस इंटरप्ट रजिस्टर में होंगी। इंटरप्ट रजिस्टर में जो ऑर्डर है बिट्स का, सबसे पहले बिट पे वो डिवाइस जुड़ेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम। इस एग्जांपल में चार डिवाइसेस को ही हैंडल कर सकता है। तो मैग्नेटिक डिस्क जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो जीरो पे है, फिर प्रिंटर है जो वन पे है, फिर रीडर है वो टू पे है, और कीबोर्ड वो थ्री पर है। तो प्रायोरिटी सबसे ज्यादा हुई मैग्नेटिक डिस्क की और सबसे कम हुई कीबोर्ड की। तो जो साइज इंटरप्ट रजिस्टर का है वो ही मास्क रजिस्टर का है, और मैग्नेटिक डिस्क की जो करस्पॉन्डिंग मास रजिस्टर की पोजीशन है वो यहाँ पे भी इंटरप्ट रजिस्टर में जो जीरो पोजीशन है, मास रजिस्टर की जो जीरो पोजीशन है वो भी मैग्नेटिक डिस्क की ही है। तो इंटरप्ट रजिस्टर की करस्पॉन्डिंग बिट्स यहाँ पे मास रजिस्टर में है, जिनकी मदद से ये प्रायोरिटी इनकोडर प्रायोरिटी को रिजोल्व करता है। कोई भी इंटरप्ट बिट और उसकी करस्पॉन्डिंग मास बिट इन एंड गेट के माध्यम से होते हुए इस प्रायोरिटी एनकोडर में जाती है। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं मैग्नेटिक डिस्क का जो भी स्टेटस है वो और उसकी करस्पॉन्डिंग मास रजिस्टर की बिट, जैसे यहाँ पे दोनों जीरो हैं, इसकी जीरो और इसकी जीरो दोनों यहाँ पे एंड होंगी
और एंड होने के बाद ये प्रायोरिटी एनकोडर पे जाएंगी। यानी कि अगर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू जीरो हो, जीरो मतलब जैसे माना प्रिंटर की बात करते हैं, अगर प्रिंटर ने इंटरप्ट जनरेट नहीं किया है तो ये बिट जीरो होगी। अब इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ द इंटरप्ट रजिस्टर बिट, मास रजिस्टर में अगर वो बिट चाहे वन है चाहे जीरो है, तो ये इसका आउटपुट, इस एंड गेट का आउटपुट जीरो ही होगा। उसी प्रकार अगर मैग्नेटिक डिस्क ने, या फिर रीडर की बात करें, रीडर ने अगर इंटरप्ट जनरेट किया है तो ये बिट वन होगी। लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो प्रिंटर की सर्विस को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो करस्पोंडिंग इसकी जो मास रजिस्टर की बिट है वो जीरो होगी। ये चाहे वन हो जाए, लेकिन अगर मास रजिस्टर की बिट जीरो है, तो क्योंकि ये दोनों सिग्नल एंड हो रहे हैं यहाँ पे जाके, तो इस एंड गेट का आउटपुट जीरो ही होगा। यानी कि इस एंड गेट का आउटपुट वन उसी डिवाइस के लिए होगा जिसने इंटरप्ट भी जनरेट किया हो, साथ साथ में उसकी बिट भी यहाँ पे मास रजिस्टर में इनेबल हो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये एंड गेट का आउटपुट जीरो ही होगा। और अगर एंड गेट का आउटपुट जीरो हुआ, तो वो डिवाइस यहां पर इंटरप्ट जनरेट नहीं कर पाएगा। इंटरप्ट जनरेट वही डिवाइस करेगा जिसने इंटरप्ट की रिक्वेस्ट भेजी हो, और साथ में मास रजिस्टर में उस डिवाइस को मास रजिस्टर के माध्यम से इंटरप्ट जनरेट करने की परमिशन दी गई हो। यहां पे एक प्रायोरिटी एनकोडर दिखाया गया है। प्रायोरिटी एनकोडर यहां पे दो बिट का आउटपुट जनरेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार डिवाइस हैं, चार डिवाइस को आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए आप दो बिट से इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो। 00 मतलब मैग्नेटिक डिस्क, 01 मतलब प्रिंटर, 10 मतलब रीडर, और 11 मतलब कीबोर्ड। तो एक्स और वाई ये दोनों बिट्स हैं जिनकी मदद से आप इन चारों में से कौन सी डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया है उसका वेक्टर एड्रेस आप यहां से इन दो बिट्स की मदद से जनरेट कर सकते हो। वैसे ये जो वेक्टर एड्रेस है 8 बिट्स का है, लेकिन चूंकि इस एग्जांपल में चार ही डिवाइस लिए गए हैं, तो दो बिट की मदद से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो 6 बिट हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन की, वो जीरो पैड हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे अगर 8 डिवाइस होते, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 बिट का ये वेक्टर एड्रेस जनरेट करता, बाकी बिट्स जीरो पैड हो जाती। और मास रजिस्टर की मदद से जब हम यहाँ पे किसी प्रायोरिटी को रिजोल्व करने के बाद, प्रायोरिटी एनकोडर जिस डिवाइस को यहाँ पे इन बिट्स के माध्यम से जिसका वेक्टर एड्रेस जनरेट करता है, ये एड्रेस 8 बिट का सीपीयू को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके अलावा इस प्रायोरिटी एनकोडर का एक और आउटपुट है आईएसटी। ये आईएसटी फ्लिप फ्लॉप 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप है। ये तब सेट होता है जब नॉन मास्क जो डिवाइस है यहां पर इस मास रजिस्टर में, वो अगर इंटरप्ट जनरेट करे, तब ये बिट सेट हो जाती है। और नॉन मास्क बिट कौन सी होती हैं? नॉन मास्क बिट वो होती हैं जिस डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट को इस वक्त प्रोसेस किया जा रहा है, उससे ज्यादा प्रायोरिटी की जो डिवाइसेस होते हैं, उनकी करस्पोंडिंग बिट मास रजिस्टर में नॉन मास्क होती है। नॉन मास्क मतलब वो इनेबल होती है, मास्क मतलब वो जीरो होती है। तो यानी कि ये आईएसटी बिट तब सेट होगी जब किसी भी डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट को सर्विस किया जा रहा हो, और उससे हायर प्रायोरिटी की डिवाइस अगर कोई सर्विस रिक्वेस्ट, इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट को यहां पर जनरेट करे। इसके अलावा इस ब्लॉक डायग्राम में आप एक और बिट देख रहे हैं फ्लिप फ्लॉप, एक बिट IEN। IEN को हम इंटरप्ट इनेबल बिट भी कहते हैं, और IEN को प्रोग्राम के माध्यम से सेट या रिसेट किया जा सकता है, और इसी के माध्यम से हम इस इंटरप्ट सिस्टम को ओवरऑल कंट्रोल करते हैं। ये IEN और IST दोनों जो बिट्स हैं, इन दोनों को एंड किया है, और
एंड का जो आउटपुट है ये ही इंटरप्ट करता है सीपीयू को। यानी कि अगर कोई डिवाइस की इंटरप्ट रिक्वेस्ट को अगर ये कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है, उससे हायर प्रायोरिटी की डिवाइस ने अगर इंटरप्ट जनरेट किया है तो ये आईएसटी बिट सेट होगी और आईएन बिट यानी इंटरप्ट इनेबल बिट अगर सेट है तो जब दोनों सेट है तभी ये इंटरप्ट किया जाएगा सीपीयू को। अगर लोअर प्रायोरिटी की डिवाइस है तो ये ऑब्वियसली आईएसटी जीरो होगा तो सीपीयू इंटरप्ट होगा ही नहीं। तो इसके माध्यम से हम वो वाला फंक्शन रिजॉल्व करते हैं जिसमें हमने बताया था पहले कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में हायर प्रायोरिटी के डिवाइस जो होते हैं वो इंटरप्ट कर सकते हैं और लोअर प्रायोरिटी के डिवाइस इंटरप्ट नहीं कर सकते उस डिवाइस से जो अभी जिसकी सर्विस रिक्वेस्ट रिजॉल्व की जा रही हो, अटेंड की गई हो, उस जिस भी डिवाइस की सर्विस रिक्वेस्ट इस वक्त अटेंड की जा रही है उससे हायर प्रायोरिटी के डिवाइस इंटरप्ट जनरेट कर सकते हैं बीच में, उससे नीचे के नहीं कर सकते। तो ये इस एंड गेट के माध्यम से आप यहां देख पा रहे हैं आईएन और आईएसटी दोनों एंड हो रहे हैं और सीपीयू को इंटरप्ट कर रहे हैं। इन दोनों में से कोई भी जीरो होगा तो ये इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा और जब सीपीयू को इंटरप्ट जनरेट होगा तो सीपीयू वहां से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भेजेगा। ये एक्नॉलेजमेंट सिग्नल देख रहे हैं आप यहां पे इस एंड गेट में ये एज अ इनपुट यूज हो रहा है। तीन इनपुट यूज हो रहे हैं आईएन, आईएसटी और तीसरा एक्नॉलेजमेंट। यानी कि किसी हायर प्रायोरिटी के डिवाइस ने इंटरप्ट जनरेट किया, आईएन सेट है और सीपीयू ने भी इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट सिग्नल अगर वहां से भेज दिया है तो तीनों एंड होंगे। जब तीनों एंड होंगे तो उसका आउटपुट वन होगा। तो वन जो यहाँ पे है ये इस वेक्टर एड्रेस की इनेबल लाइन से जुड़ा है। तो जब किसी हायर प्रायोरिटी डिवाइस ने इंटरप्ट सर्विस रिक्वेस्ट की है और आईएन भी सेट है और सीपीयू ने भी और सीपीयू को आपने इंटरप्ट कर दिया और सीपीयू ने इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर दिया है, तीनों कंडीशन अगर जिस वक्त सेटिस्फाई हो रही है तभी ये एंड गेट वन आउटपुट जनरेट करेगा जो कि इस वेक्टर एड्रेस की जो इनेबल लाइन रजिस्टर है वेक्टर एड्रेस रजिस्टर इसकी इनेबल लाइन से जुड़ा है। जब ये इनेबल वन होगा तभी ये जो एड्रेस है वेक्टर एड्रेस ये सीपीयू को ट्रांसफर होगा। और ये आईएन बिट क्या है, ये आईएन बिट क्या दर्शाती है कि जिस ये प्रोग्राम के माध्यम से इसको सेट या रीसेट किया जा सकता है। ये जो बहुत ही क्रिटिकल फंक्शंस होते हैं जिनको अगर रोका जाए बीच में तो सीपीयू या कोई प्रोग्राम माल फंक्शन कर सकता है या हार्डवेयर माल फंक्शन कर सकता है, तो उन सिस्टम्स के लिए आईएन बिट जीरो रहती हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त, अदरवाइज ये वन रहती हैं। ये आईएन की स्टेटस ये दर्शाता है कि जो प्रोग्राम इस वक्त सर्विस हो रहा है उसे बीच में इंटरप्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर किया जा सकता है तो ये वन रहता है, अगर ये जीरो है तो आप रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेटस ऑफ मास रजिस्टर और इंटरप्ट रजिस्टर अगर इनकी कोई भी बिट सेट है और इसने प्रायोरिटी एनकोडर ने अगर एड्रेस जनरेट कर भी दिया है, अगर ये आईएन जीरो है तो ये इंटरप्ट जनरेट नहीं होगा। तो इसका मतलब आईएन ये बताता है कि जो प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट हो रहा है उसे बीच में रोका जा सकता है कि नहीं रोका जा सकता। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि प्रायोरिटी इंटरप्ट को पैरेलल फैशन में किस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरप्ट साइकिल की। धन्यवाद।